कि आप सुन्नी हो या वहाबी हो या बरेलवी हो, देखो ये सब चीज़ें अलग हैं। सबसे पहले हम सभी मुसलमान अस्सलाम हैं। वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद सब अच्छे होंगे। दोस्तों काफ़ी दिन से वो DM आ रहे थे मेरे बारे में पूछने के लिए, आपके बारे में। तो मैंने एक अपना वो भी डाला था क्वेश्चन का, तो उसमें बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आए, तो मैंने उसमें से कुछ 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो मैंने समझा इनके जवाब देने बहुत ज़रूरी हैं। तो उसमें से मैं शुरुआत करता हूँ। तो पहला एक ने सवाल पूछा था कि आप रहने वाले कहाँ के हो। ये काफ़ी लोग पूछते भी हैं, लेकिन मैंने काफ़ी बार बता भी रखा है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। मैं जो है हापुड़ एक डिस्ट्रिक्ट है UP के अंदर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। एक गांव है पिपलेड़ा, उसका मैं रहने वाला हूँ। कभी भी आप इधर आना हो बिल्कुल इंशाल्लाह। और दूसरा था कि आप करते क्या हो। मैं वैसे तो स्टडी करता हूँ, और दूसरा जो है मैं सोशल वर्क जो है बहुत ज़्यादा करता हूँ। जहाँ भी गरीबों की मदद हो या शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करें हम, जगह जगह लोगों के पास जाते हैं और उन्हें शिक्षा के लिए अवेयर करते हैं और नशे से दूर करते हैं और अच्छी बातें बताते हैं, बुरी बातों से दूर करते हैं। यही हमारी एक पहल है और इसी को हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक है कि आप ये सब कितनी सालों से कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। हमें वैसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, मुझे तकरीबन 8 से 9 महीने हुए हैं मुझे अभी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत ही इज्जत दी है और अल्लाह ने मुकाम दिया है इसके बिना पर। और हमें जो है एनर्जी मिलती है, लोगों का इतना प्यार मिलता है देखने के लिए। तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है अभी इंशाल्लाह, लेकिन आपका सपोर्ट इतना अच्छा है कि इस कम वक्त में भी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इसके लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद है एक ने भाई ने सवाल पूछा है कि आपका बिजनेस क्या है। हमारा जो है बिजनेस खास तो कुछ है नहीं, वैसे किसान आदमी हम लोग, थोड़ा अपना एक छोटा मोटा काम है, ऐसा कुछ वैसा नहीं है। तो उसके बाद है एक इस सवाल पे बहुत सारी बहसें भी हुई थी, बहुत सारी वीडियोस भी बनी थी कि ये वो है ये वो है, कि आप सुन्नी हो या वहाबी हो या बरेलवी हो। देखो ये सब चीज़ें अलग हैं। सबसे पहले हम सभी मुसलमान हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि हम मुसलमान हैं। बाकी आप सबकी जब अपनी अपनी सोच है, तो अपनी अपनी सोच से सब चलते हैं इस दुनिया में। तो और हमें होना भी चाहिए कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं। और उसके बाद है पांचवी है कि आपकी इनकम कितनी है इंस्टाग्राम से। देखो इंस्टाग्राम से तो कुछ नहीं आती, लेकिन ये है कि जो भी कुछ आता है वो सब गरीबों में चला जाता है इंशाल्लाह। जितना भी हम लोग कि कहीं से अर्न होता है, सब लोग हम ऐसे ही तकसीम कर देते हैं और लोगों के ऊपर ही उठाते हैं। ऐसा कोई हमारा वो नहीं है कि हम कमा के अपने पास रख रहे हैं, सब कुछ नहीं, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। इसके बाद है एक सवाल पूछा है आप पर कौन कौन सी, एक भाई ने पूछा आप पर कौन कौन सी कार है। हमारे पास माशाल्लाह 3-4 कारें हैं, एक लैंड क्रूज़र है, एक फॉर्चुनर है और एक मर्सिडीज़ है, और एक दो छोटी कारें और हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत इज्जत दे रखी है, अल्लाह का बहुत रहम करम है। उसके बाद है कि एक भाई पूछा कितने भाई हैं। मैं बताना चाहता हूँ हम जो हैं 4 भाई हैं माशाल्लाह, और मैं जो है 3रे नंबर का हूँ। और एक भाई पूछ रहे हैं आप पॉलिटिक्स में जाएंगे या नहीं। देखो अभी तो हमारा कोई इरादा नहीं है, अभी तो पॉलिटिक्स और दुनिया जो जो भी कुछ है हमारी खिदमत ही है, लोग हम जो पहुँचा रहे हैं ये हमारे लिए सब कुछ है, हमारा काम वाम सब जो भी इसे समझ सकते हैं वो है। लेकिन हमारा अभी पॉलिटिक्स में जाने का दूर दूर से कोई इरादा नहीं है। अभी हमारा सिर्फ मोटिव यही है कि हम लोगों की खिदमत करें जितनी हमसे हो सके। उसके बाद ये आखिरी सवाल जो है ये पूछा है भाई ने, ये अहम सवाल है कि आपका एम क्या है। मेरा एम यही है कि हर ज़रूरतमंद तक उसकी ज़रूरत की चीज़ पहुंच सके, और दूसरा जो शिक्षा से दूर हैं लोग उन तक शिक्षा पहुंच सके, और जो है जो बूढ़ी औरतें हैं और जो जवान लड़के हैं अपनी माँ को छोड़ देते हैं, मतलब जवानी के जोश में आके, तो उन्हें जो है एक राशन पहुंचाना या उनकी रहने की सुविधा, वो सब चीज़ें का हमारा करने का पूरा पूरा इरादा है। और जगह जगह जाकर हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, और इसी को काम को हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। और अभी तो हम छोटे लेवल पर कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक बड़ी किसी चीज़ का इब्तिदा करके हम इस लेवल को बहुत बड़ा करने वाले हैं। पूरे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह ये निज़ाम चलेगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर किसी का कोई सवाल अभी बाकी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी अपना ख्याल रखें और दुआ करें। अल्लाह जो फ़लस्तीन में इस वक्त हालात हैं उन पर अल्लाह रहम करे, और ये जो लड़ाई है ये ख़त्म हो। मेरी सभी से दुआ है कि सभी लोग दुआ करें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।